हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जो चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। यहां पर हम फॉर्मूले से क्या करेंगे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना और क्लोजिंग कैपिटल के कैलकुलेशन का यहां पर प्रोसेस देखेंगे। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी देखिए आपके लिए फॉर्मूला नोट कर दिया है, आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे, इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जैसा कि देखिए, हमने पहला जो फॉर्मूला लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि क्लास मैथ्स में आपने पढ़ा भी था, ट्रांसफर करके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो अगर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है तो लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल इज इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमारे जो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा वो है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। हमारे पास फॉर्मूले में आते हैं सिर्फ दो ही चीज निकालने के लिए, एक है क्लोजिंग कैपिटल और एक है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। सो क्लोजिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब इसे लर्न कैसे करेंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी लर्न हो चुका है और यहां पर यही फॉर्मूला बना, यहां से कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यही पर ये वर्ड आ जाता है, बस क्लोजिंग वर्ड ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब क्लोजिंग मींस क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं अपने वीडियोस में कि यहां पर हमारे अकाउंटिंग में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज होता है जो हमारा ओपनिंग होता है और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा क्लोजिंग। और हमारा जो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर चलता है या फिर हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो चलता है, ये चलता है कब से कब तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। ठीक, अब यहां पर जो हमारा वर्ड है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, सो ओपनिंग के लिए हमेशा हम 1 अप्रैल की डेट लेते हैं क्योंकि यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, और हम अपने बिजनेस की क्लोजिंग किस डेट पे करते हैं, ऑन 31 मार्च को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमारा ईयर चल रहा है 2020 का, तो हमारा ओपनिंग जो स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ होगा और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2021 में। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस हम देखते हैं कि जिस डाटा के साथ हमारा 1 अप्रैल यूज हुआ है, ठीक, तो वो हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, मींस ओपनिंग एसेट्स या ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग कैपिटल। और अगर किसी के साथ 31 मार्च यूज हुआ है तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्लोजिंग के लिए। तो अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, यहां से आपको एकदम इजी स्टेप में समझ में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो जैसा कि देखिए, यहां पर ये फॉर्मूला हो गया और प्रॉफिट के दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में दिए हुए डाटा के ऊपर। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च को होगी उसमें से हम ओपनिंग कैपिटल मतलब जो 1 अप्रैल की कैपिटल होगी माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अपने फॉर्म का प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी कुछ एडिशनल डाटा भी आते हैं, जैसा कि देखिए मैंने एक और प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है विच इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो जो न्यू प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग मींस अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज विड्रॉ करता है। एडिशनल कैपिटल माइनस कर देते हैं, मतलब बिजनेस में अगर कैपिटल पैसे की जरूरत पड़ी तो बिजनेस पर जो मैन है उसने क्या किया, एडिशनल कुछ और पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल, तो वो माइनस होती है और ओपनिंग कैपिटल एज इट इज माइनस ही होगा हमारा। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला का पोर्शन है। मैंने देखिए आपके लिए क्वेश्चन पिक किया हुआ है जो कि हमारे डीके गोयल की बुक में पेज नंबर 6.16 पे आपको मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 12। मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन उठाया है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके सारे डाटा इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहां पर हमारा जैसे कि ए क्वेश्चन पॉइंट में और बी क्वेश्चन पॉइंट में, तो मैंने दो कॉलम में बना दिया है, एक तरफ हम ए को सॉल्व करेंगे दूसरी तरफ हम बी को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो क्वेश्चन ए इज सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। अब देखिए बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2011, मतलब ओपनिंग किस तरह से स्टार्ट हुआ है, तो ऑन 1 अप्रैल 2011 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹7,50,000। तो जैसे ही देखा 1 अप्रैल है और कैपिटल है तो मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कैपिटल तो हमें मिल गया है यहां पे, लेकिन ये कैपिटल कैसी कैपिटल है, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग। तो जब 1 अप्रैल लिखा है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ये ओपनिंग कैपिटल है, क्या वैल्यू है ओपनिंग कैपिटल की, 7,50,000। सो ये वैल्यू हो गया हमारा 7,50,000 ओपनिंग कैपिटल की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है एंड,
लोन ऑफ 2 लाख टेकन फ्रॉम पीएनबी, लोन टेकन है ठीक है, तो लोन कितने का पीएनबी से लिया गया है, 2 लाख रुपीस का लोन है। और अब बताइए आप अगर हम लोन लेंगे फर्म से तो फर्म के लिए वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तुरंत आपने कहा सर ये है लायबिलिटी, किस डेट पर लिया है, ये है 1 अप्रैल को ही दोनों चीज हमारे डाटा, मींस ये भी क्या है ओपनिंग लायबिलिटी है ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी ऐसी है जिसका ओपनिंग बैलेंस तो दिया हो लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इट मींस दैट कि वही लायबिलिटी हमारे नेक्स्ट ईयर में भी कंटिन्यू होने वाला है, तो ओपनिंग लायबिलिटी ही हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी भी बन जाती है, जैसा कि अभी हम बताते हैं आगे। फिर नेक्स्ट आगे लाइन है, ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वेयर 15 लाख। अब देखिए आगे एक और चीज विच इज एसेट्स, यहां पर देखिए अब आगे हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू है हमारे पास 15 लाख रुपीज की, तो 15 लाख की हमारे पास हो गई एसेट्स ठीक। अब ये किस डेट पर है, ये देखिए 31 मार्च 2012 को हिज एसेट्स दिया, तो 31 मार्च मीन्स क्या हो गया, ये है इसकी क्लोजिंग एसेट्स ठीक, ओपनिंग एसेट्स नहीं दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड आउट, अब कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2012, मींस कौन सी कैपिटल निकालनी है, तो यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमसे पूछ रहा है यहां पे, क्योंकि 31 मार्च है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एंड प्रॉफिट्स मेड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2011-12, मतलब कैलकुलेट करिए कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है और कितना हुआ है, इसका कैलकुलेशन भी आपको देखना है। तो चलिए हम फॉर्मूले पे आते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल जैसा कि पूछा है, तो चलिए यहां पर हमने क्लोजिंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला यूज किया, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे स्पेस कम है यहाँ पे, हमने आपके लिए ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट्स देखिए क्वेश्चन में है हमारे पास, तो ये देखिए ये है हमारी क्लोजिंग एसेट्स कितनी हो गई 15 लाख, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा उसके बाद सॉल्यूशन दीजिएगा, माइनस क्या करेंगे हम क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग लायबिलिटी दिया है, नहीं ओपनिंग लायबिलिटी दिया है। तो मैंने आपसे कहा ना कि फॉर एग्जांपल आपको अगर 100 रुपए जनवरी में पे अप्रैल में पे करना है फॉर एग्जांपल, या जनवरी में जिस मंथ में भी, तो अगर आपने 100 रुपए को नहीं पे किया तो आप अगले साल जब बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे तो वो अमाउंट फिर भी बचा है ना पे करने के लिए, तो वो जब पैसा फिर आप पे करेंगे तो वही ओपनिंग बैलेंस ही क्या बन जाएगा आपका, क्लोजिंग भी बन जाएगा क्योंकि आपने पे नहीं किया है। तो यहाँ पे ओपनिंग जो बैलेंस है यहाँ पर, यही बैलेंस यहाँ पर इनके लिए क्या बन जाएगा, ये क्लोजिंग लायबिलिटी भी बन जाएगा ठीक। तो क्लोजिंग लायबिलिटी का बैलेंस हमारे पास मिल गया कितना 2 लाख, तो यहां से हमने क्या किया 2 लाख को माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल की जो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन में 15 माइनस 12 विच इज 13 लाख रुपीज, ये हमें मिल गया अपने क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ठीक। पहला डाटा हमारा आ गया ठीक, ये आ गया। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो चलिए प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए देखते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी एक चीज बता देता हूं कि फॉर्मूला हम वो अप्लाई करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में डिमांड होता है ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट से रिलेटेड क्या डाटा क्वेश्चन में, तो सिर्फ यही 3 डाटा है ए वाले क्वेश्चन में, तो ये 3 डाटा से रिलेटेड क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है प्रॉफिट का, नहीं। कौन सा अप्लाई होगा ये, क्योंकि इस ए वाले पॉइंट में ना ही ड्रॉइंग है ना ही एडिशनल कैपिटल है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 13 लाख ठीक, और माइनस क्या है ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है 7,50,000, माइनस कर लेंगे 7,50,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना रुपीज, अब 13 लाख में से 7,50,000 माइनस कर देंगे, तो किस तरह से देखिए 7,50,000 में से पहले आप इसे 8 मान लीजिए, तो कितना कम पड़ा 5,50,000, यहां पर हमने नोट कर दिया 5,50,000 ठीक। बैलेंस चेक कर लेते हैं, ये देखिए 7, 5, 12 और 1, 13 ठीक है 5,50,000, ये हो गया हमारा प्रॉफिट का बैलेंस, आंसर आ गया। ये हमारा ए वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ए वाले पोर्शन से रिलेटेड हमारा प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे, अपने बी वाले पोर्शन से हम अपने आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। बी वाला पॉइंट क्या ऐड किया है, इफ इन द अबव क्वेश्चन ए वाला नंबर पॉइंट, मतलब इसी क्वेश्चन में अब कुछ एडिशन हो रहा है, क्या एडिशन हो रहा है, द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,25,000, देखिए आगे एक वर्ड
क्या है? एडिशनल कैपिटल आ गया ना। देखिए यहां पर इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एडिशनल कैपिटल मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एंड हैड विड्रॉ हुआ है, तो विड्रॉ मतलब हमेशा ड्रॉइंग नहीं होता है जब तक ये ना कहे पर्सनल यूज। तो विड्रॉ रुपीज 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस, आगे ना फॉर पर्सनल पर्पस, तो हो गया क्या ये ड्रॉइंग। तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो तुरंत आप लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो गया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा फिर डाटा फिल करिएगा। तो हम डायरेक्ट डाटा फिल करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है कितना 13 लाख। तो सबसे पहले ये लिख लिया 13 लाख, फिर क्या है प्लस ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमारे पास देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ये 40,000 विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, तो 40,000 ये प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस एडिशनल कैपिटल, तो माइनस एडिशनल कैपिटल ये देखिए क्वेश्चन में ये है 1,25,000, तो 1,25,000। फिर क्या आ गया माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी ओपनिंग कैपिटल ये देखिए यहां पर है 7,50,000 जो ऑलरेडी दिया था, तो 7,50,000 ये भी हमने दिखा दिया। अब सेम मैथ का आप जिस तरह से फॉर्मूला सॉल्व करते थे बस वो यहां पर सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। अब क्या करेंगे 13 लाख और 40,000 पहले एक साथ प्लस कर लिए, तो वैल्यू हो गया 13,40,000 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो पहले प्लस कर लेंगे 7 और 1 हो गया 8 लाख और 50 और 25 हो गया 75,000, 8,75,000 ठीक। अब प्रॉफिट का वैल्यू जो हमारा आएगा, तो 13,40,000 में से 8,75,000 माइनस कर देंगे, तो ये 000 से ये 000 कैंसिल होकर आंसर हमारा 000 आ जाएगा, और 0 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 5 और यहां पर हो गया 3, 3 में से 7 तो माइनस नहीं होगा ये इससे कह रही है, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 336 वैल्यू, और यहां पर हो जाएगा 12 में से 8 माइनस होगा वैल्यू आ जाएगा 4,65,000 रुपीज। ये हमारा आ गया प्रॉफिट ठीक। अब यहां पर चाहिए तो एक बार चेक भी कर सकते हैं आप ऐसे, आप अगर लिख के निकालते हो तो लिख कर निकालिए, नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक बार हम लोग आंसर अपने चेक कर लें कि हमारे ये आंसर आए कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस लगाते थे उसमें हम लोग तो अपने एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल देख के लगा लेते थे। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आई हमारी 13 लाख, चलिए ठीक है आ गया है। प्रॉफिट की वैल्यू 5,50,000 ये भी आ गया है, एंड प्रॉफिट बी वाले केस में 4,65,000 ये भी आ गया है, यानी हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया है। So, ये हमारा पूरा प्रोसेस था क्वेश्चन को लगाने का, जब न्यूमेरिकली बेस्ड हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट या फिर क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा ठीक है, किसी पॉइंट में दिक्कत होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर नंबर इसमें इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, मैं पर्सनली उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा ठीक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बस बैठ के पढ़ाई करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे लॉकडाउन में आपके सारे क्वेश्चंस को जो सॉल्यूशन है पूरा चैप्टर हमारा ऑनलाइन फ्री क्लासेस में ये चल रहा है ठीक है स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कॉन्टेक्ट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।